to take English grammar, you know, basics of English grammar. And here I have prepared some sheets, worksheets. Now, during this pandemic time, the COVID times, we don't know what to do. हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास हम books अपनी भर पढ़ चुके हैं और हमको करने को कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ नहीं रहता है. समटाइम्स वी वॉन्ट कि हम इंग्लिश में और बहुत कुछ करें. तो ये वर्कशीट्स हैं, इनको आप करके अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं कि भाई जो आपने पढ़ा वो सही है कि नहीं, या जो आपको याद है वो सही है कि नहीं. एंड दिस इज़ वेरी बेसिक इंग्लिश एंड इफ़ यू आर गुड विथ इट आप अपना स्कोर करिए. इसमें पहले आपके क्वेश्चन शीट आएंगी, फिर उसके बाद आपका आंसर शीट भी आएगा. और अगर आपको मैंने बहुत बेसिक चीज़ ली हुई है, जैसे कि सेंटेंसेस, नाउंस, आर्टिकल, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, अगर आपको इनके बारे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक्स दी गई हैं. ये सब टॉपिक्स उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब फॉर माई चैनल सुष्मिता साहू. वी वेलकम यू फॉर आवर बेसिक इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट्स. लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंसेस. नाउ हियर वी कम विद अ क्वेश्चन टैग. आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन टैग एंड अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस. So, interrogative sentences. The interrogative sentences are those sentences which ends with a question mark. Yes, question tags. When, how do you put a question tag? आप मेरे उस वीडियो को देखें. Question tags करके मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है. Like in this, we take the second question. We take the second sentence. Stuti is very honest. Now, here we pick up is. Isn't she or isn't we have to use isn't, that is, and we put a question tag. Stuti is very honest, isn't she? Yeah, isn't Stuti? So we put a question tag. That is what we do here. Jo hamara negative, like first wala jo sentence hai, this plan wasn't by you. Here we will put a question tag, was it? So this is the way we put the question tags. Now here are the answers. First aap isko solve kare, fir apne answers se khud ko score kare. See, this is the way we put the question tag. Now we come to our second worksheet, and that is we have to identify the countable and uncountable nouns. This too everybody might be knowing. So let's see, you do this and then check your answers. Very good. Now the third sheet is about, here you have to fill in the blanks with a, an, any, the, or somewhere. You don't have to put any word. So here is the questions which you have to answer, and be sure that you first watch my video. A and the video, I have really worked hard on it. So take a link and watch that. This is your answer sheet. Then next we come to the question sheet, the quantifiers, and here are the answers. Now ma'am, we have to go to the answer sheet. Yes, this is the answer sheet to the quantifiers. Now next we come to write the nouns with which the underlined pronoun stands for. कई बार ऐसा होता है कि हम स्टोरी पढ़ते हैं और जो प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज्ड है ये हमें नहीं पता होता है. यूजली आई हैव सीन इन इन स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर हूँ और मैंने ज़्यादातर बच्चों में देखा है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कई बार कि ये देम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं या दे. तो दिस इज अ वर्कशीट जहाँ पे आपको जो प्रोनाउन है वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, वो किस नाउन के लिए यूज हो रहे हैं वो आपको बताना है. दिस इज द आंसर शीट. नाउ देन वी कम नेक्स्ट टू द एडजेक्टिव, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. वेरी इंटरेस्टिंग इट इज. इसमें बेसिकली याद रखना है कंपेरेटिव देन के साथ आता है. देन नेक्स्ट इज, दिस इज द आंसर शीट. देन वी कम टू द क्वेश्चन शीट अगेन, एंड इसमें नॉन फाइनेट वर्ब्स इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन. आपको नॉन फाइनेट वर्ब्स यूज करना है जो अंडरलाइंड है उसके लिए. सो लेट्स सी, नॉन फाइनेट वर्ब्स जो होते हैं उनके आगे यूजुअली टू आ जाता है. यूजुअली आई एम सेइंग, नॉट एज बाय रूल. सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच. आई होप सो यू एंजॉयड डूइंग योर शीट, एंड डू पेन डाउन योर मार्क्स डाउन इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू, बाय.